क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश और अपना पहला लेसन जो कि एक पोएम है जिसका नाम है वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। चलो बच्चों पोएम को पढ़ते हैं और साथ में इसकी हिंदी भी आपको बता दी जाएगी। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम, ओवरकम होता है भी जीतना या कामयाब होना, तो वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम समडे, समडे होता है किसी दिन, तो हम किसी दिन कामयाब होंगे। ओ डीप इन माई हर्ट, डीप होता है जी गहराई, हर्ट होता है हृदय। आई डू बिलीव, बिलीव होता है जी विश्वास। ओ मेरे हृदय की गहराई से मुझे विश्वास है कि वी शैल ओवरकम समडे, तो हम किसी दिन कामयाब होंगे। तो बच्चों साथ के साथ इनके वर्ड मीनिंग भी जो मैं बता रहा हूँ उनको कर लेना, जैसे ओवरकम कामयाब होना, हर्ट हृदय, बिलीव विश्वास। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। वॉक का अर्थ होता है जी चलना, तो हम एक दिन हाथों में हाथ डाले या हाथों एक दूसरे का हाथ थामे चलेंगे, तो हम एक दूसरे का हाथ थामे चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम किसी दिन एक दूसरे का हाथ थामे चलेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, और मेरे हृदय की गहराई से मुझे विश्वास है कि वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, तो हम एक दूसरे का हाथ थामे किसी दिन चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड होता है जी भयभीत, हम डरते नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, हम भयभीत नहीं हैं या डरते नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, हम आज भयभीत नहीं हैं। टूडे होता है जी आज, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओ डीप इन माई हर्ट आई डू बिलीव, मुझे मेरे हृदय की गहराई में यह विश्वास है कि वी आर नॉट अफ्रेड टूडे, कि हम आज नहीं डरते हैं। द ट्रथ, ट्रथ होता है जी सत्य। शैल मेक अस फ्री, फ्री होता है जी आज़ाद, सत्य हमें आज़ाद करवाएगा। द ट्रथ शैल अस मेक, सॉरी द ट्रथ शैल मेक अस फ्री, तो सत्य हमें आज़ाद करवाएगा। द ट्रथ शैल मेक अस फ्री समडे, सत्य हमें किसी दिन आज़ाद करवाएगा। ओह डीप इन माई हर्ट, मेरे हृदय की गहराई से आई डू बिलीव, मुझे विश्वास है कि द ट्रथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि सत्य हमें एक दिन आज़ाद करवाएगा। वी शैल लिव इन पीस, पीस होता है जी शांति। वी शैल लिव इन पीस, पीस होता है शांति, तो हम शांति में रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति में रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम किसी दिन शांति में रहेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे मेरे हृदय की गहराई से यह विश्वास है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, कि हम किसी दिन शांति से रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले की लिखी हुई है। तो अब अपने एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में मैंने आपको वैसे वर्ड मीनिंग बता दिए हैं, तो आपको अपनी कॉपी में ये वर्ड मीनिंग करने हैं। ओवरकम विजय पाना या कामयाब होना, अफ्रेड भयभीत, हैंड इन हैंड एक दूसरे का हाथ थामे हुए, बिलीव विश्वास करना, पीस होता है जी शांति। तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो अब एक्टिविटी फर्स्ट देखें। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री, तो कवि के अनुसार क्या चीज़ हमें आज़ाद करवाएगी, क्या चीज़ बताई गई थी भी? देखो कॉरेज साहस, विक्ट्री, सी पे पीस और डी पे ट्रथ। तो अब बताएं इसका उत्तर रहेगा जी डी पे, इसका उत्तर क्या रहेगा, डी ट्रथ। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आगे देखें व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, और इस सॉन्ग के अंदर हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड का क्या अर्थ था? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यूनाइटेडली, ए परेड, मेकिंग ए ट्रिप, तो इसका मतलब था यूनाइटेडली, क्या रहेगा यूनाइटेड। अब देखो जी आगे तीन नंबर सवाल देखें। व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन, तो डीप इन माई हार्ट का क्या अर्थ है? व्हाट आई समटाइम्स होप, दूसरा था व्हाट आई स्ट्रांगली फील,
व्हाट आई थिंक और व्हाट आई लाइक, मतलब व्हाट आई समथिंग होप, मुझे किस चीज़ की आशा है, व्हाट आई स्ट्रांगली फील या मैं महसूस करता हूँ, व्हाट आई थिंक मैं सोचता हूँ, या व्हाट आई लाइक, तो इसका उत्तर रहेगा जी व्हाट आई स्ट्रांगली फील, जो मैं महसूस करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसे अपनी कॉपी में कर लेना। अब देखो जी इसका आगे बी नंबर, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को बताना है। तो पहला है जी वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। तो ये क्या है जी अपने, ये है जी टी, टी फॉर ट्रू। वी विल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे या हैंड टू हैंड एक साथ चलेंगे। तो अपने पोएम में कहा हुआ था भी हम एक साथ चलेंगे, तो ये अपना जो वाक्य हो जाएगा, सॉरी वाक्य हो जाएगा ये सेंटेंस है वो फॉल्स हो जाएगा। द ट्रथ शैल मेक अस फ्री समडे, जो सत्य है वो हमें एक दिन आज़ाद करवाएगा। क्या ये बात सही है? हाँ जी ये बात सही है। तो अब अपने क्या आया होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये ट्रू फॉल्स और जो ये प्रश्न उत्तर हैं और प्लस वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और साथ में इनको याद भी करना है।